नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संतोष पुरी, आपका दोस्त। मोटिवेशनल नॉलेज जरा हट के इस मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिए, अगर जीवन में सक्सेस होना है तो कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ता है। हमें ये याद रखना पड़ेगा, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो चलिए इस वीडियो से आज कुछ अलग सोचते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, थंबनेल देख के आपको आज के वीडियो का टॉपिक पता ही चला होगा। तो चलिए ये वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आज हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जिस वीडियो का आपको इंतजार था वो वीडियो आज आ चुका है। हमें इंतजार था 7th पे के हिसाब से हमारी सैलरी कितनी होगी, और इसके लिए हम 7th पे के हिसाब से पे फिक्सेशन किस तरह से किया जाता है और इंक्रीमेंट्स कौन से तारीख को लगाना है। इंक्रीमेंट्स में बहुत कंफ्यूजन है दोस्तों। कोई बोलता है 1 जनवरी को लगेगा, कोई बोलता है 1 जुलाई को लगेगा। तो किसको 1 जनवरी में लगेगा और किसको 1 जुलाई, ये कंफ्यूजन दूर करना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। तो हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं एक उदाहरण लेके। 30 जनवरी 2019 के नोटिफिकेशन के हिसाब से हमारा फिक्सेशन किस तरह से होगा। तो ये सीट के हिसाब से आप अपने ऑफिस का नाम, एम्प्लॉय का नाम और डेट ऑफ पे फिक्सेशन और उसका डेसिग्नेशन यहाँ लिखिए। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है डेट ऑफ पे फिक्सेशन, यानी कि आपका पे फिक्सेशन कौन से तारीख को हो रहा है। जैसे आपको सबको मालूम है, जो परमानेंट एम्प्लॉयज है, ओल्ड एम्प्लॉयज है, जो 31 दिसंबर 2015 तक परमानेंट थे, उन सबका पे फिक्सेशन 1 जनवरी 2016 को होगा। तो हम यहाँ समझ लेते हैं कि 1/16 को जिनका पे फिक्सेशन होगा वो किस तरह से होगा। उदाहरण के लिए हमने उस तारीख का एग्जिस्टिंग पे बैंड, यानी कि 1 जनवरी 2016 को उस एम्प्लॉय का पे बैंड था 1, यानी कि PB1, और उसका स्केल है 5200 से लेकर 20200। इस पे बैंड में वो एम्प्लॉय काम कर रहा था। 1 जनवरी 2016 को उस एम्प्लॉय का एग्जिस्टिंग ग्रेड पे मान लो 2400 रुपये है और उसी तारीख का उसका एग्जिस्टिंग पे इन पे बैंड वो मान लो 8350 है। इन दोनों का हम टोटल करते हैं तो ये आएगा एग्जिस्टिंग बेसिक पे जनवरी 2016 का, और वो आएगा 10,750 रुपये। अभी ये पे फिक्सेशन के फार्मूला के हिसाब से जो फिटमेंट फैक्टर दिया गया है 2.57, इससे हम टोटल बेसिक पे को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10,750 गुना 2.57, यानी कि 2.57, इनका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा 27,627.5 रुपीज। तो इसको हम राउंड अप करेंगे तो आएगा 27,628 रुपये, और उस अमाउंट को हम 100 तक राउंडेड अप करेंगे तो अमाउंट बनेगा हमारा 27,700। लेकिन ये 27,700 अभी हमें इस ग्रेड पे के हिसाब से, लेवल करस्पॉन्डिंग टू ग्रेड पे 2400 के हिसाब से हमें वो लेवल उस टेबल में ढूंढना है। जैसे उदाहरण के लिए हम ये टेबल में चलते हैं। तो देखो दोस्तों, 2400 ग्रेड पे वाला जो लेवल है वो है S8। S8 इस लेवल में उस एम्प्लॉय का पे फिक्सेशन होगा और हमारा जो अमाउंट आया था वो है 27,700। तो हमें ये 27,700 अमाउंट यहाँ S8 में ढूंढना है। तो 27,700 नहीं है यहाँ, 27,100 है और 27,900 है। तो 7th के हिसाब से जो 27,700 से नजदीक और जो उससे बड़ा अमाउंट होगा, यानी कि 27,900,
ये हमारा 1 जनवरी 2000 का बेसिक पे रहेगा। तो इस तरह से हमारा रिवाइज पे इन पे मैट्रिक्स इन लेवल S8 ऑन डेट 1 जनवरी 2016 को वो बनेगा 27,900। वो जो अमाउंट है वो कैसा है, आइदर इक्वल टू और नेक्स्ट हायर टू 27,700, यानी कि इसके आसपास या उससे ज्यादा वाला अमाउंट है वो 27,900। तो इस तरह से हमारा पे फिक्सेशन हो जाएगा 1 जनवरी 2016 को हमारा बेसिक बना है 27,900। अभी दोस्तों हम इंक्रीमेंट किस तरह से और कौन से तारीख को लगाते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए बहुत कंफ्यूजन है, तो ये इंक्रीमेंट का अमाउंट किस तरह से देना है वो तो आपको टेबल में दिया गया है। जैसे कि ऑन ग्रांट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट बेसिक पे विल मूव वर्टिकली डाउन द सेम लेवल इन द सेल्स, यानी कि ये जो टेबल दिया है जैसे कि आपने अभी फिक्स किया है 27,900, इसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा 28,700, उसके बाद आएगा 29,600, उनके बाद आएगा 30,500। तो ये नेक्स्ट सेल में डाउन साइड में जो अमाउंट दिया है वो हमारा इंक्रीमेंट होगा। तो जैसे उदाहरण के लिए अभी एक बात ध्यान में रखिए, इंक्रीमेंट कैसे लगाना है। इंक्रीमेंट लगाने का जो नियम दिया है नोटिफिकेशन में वो हम एक बार समझ लेते हैं। जिस व्यक्ति को देखो यहाँ पढ़िए, 2 जुलाई 2016 आणि 1 जानेवारी 2017 दोन्ही दिवस धरून या कालावधीत नियुक्त किंवा सर्वसाधारण पदोन्नती साखळीमध्ये पदोन्नत झालेल्या किंवा सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेसह अन्य आर्थिक श्रेणीवाढ झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यास प्रथम वेतनवाढ 1 जुलै 2017 रोजी देय राहील आणि त्यानंतरच्या वेतनवाढी 1 वर्षानंतर देय राहतील। इसका मतलब यह है दोस्तों, अगर हमारा फिक्सेशन तो 2 जुलाई को नहीं हो रहा है, लेकिन मान लो जिस किसी व्यक्ति की अपॉइंटमेंट 2 जुलाई 2016 को होगी या 1 जनवरी 2017 इन बीच के डेट में कभी भी होगी, या उसी पीरियड में उनको अगर पदोन्नति यानी के प्रमोशन मिलेगा या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगति योजना का लाभ मिलेगा, तो उस व्यक्ति को जो फर्स्ट इंक्रीमेंट है वो इसके ओल्ड के हिसाब से अपन बोलते हैं 1 जनवरी 2017 को मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 2 जुलाई से अगर उसकी अपॉइंटमेंट या प्रमोशन होता है तो 31 दिसंबर तक उनको 6 महीना नहीं होते हैं, 31 दिसंबर 2016 तक, इसलिए उनको 1 जनवरी 2017 को इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो उस व्यक्ति को डायरेक्ट इंक्रीमेंट मिलेगा 1 जुलाई 2017 को, और उसके बाद का इंक्रीमेंट 1 साल के बाद यानी कि 1 जुलाई 2018 को। उसी तरह से 2 जनवरी 2016 आणि 1 जुलै 2016 दोन्ही दिवस धरून या कालावधीत नियुक्त किंवा सर्वसाधारण पदोन्नती साखळीमध्ये पदोन्नत झालेल्या किंवा सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेसह अन्य आर्थिक श्रेणीवाढ झालेल्या आणि 1 जुलै 2016 रोजी कोणतीही वेतनवाढ न घेतलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यास पुढील वेतनवाढ 1 जानेवारी 2017 रोजी देय राहील आणि त्यानंतरच्या वेतनवाढी 1 वर्षानंतर देय राहतील। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर 2 जनवरी 2016 को या 1 जुलै 2016 तक इनके बीच में कोई भी डेट में अगर 1 जुलै 2016 तक, 2 जनवरी से 2016 से लेकर 1 जुलै 2016 तक इन तारीख को किसी का भी अपॉइंटमेंट या प्रमोशन होता है तो उस व्यक्ति को जो इंक्रीमेंट मिलेगा वो 1 जनवरी 2017 को मिलेगा, क्योंकि इसमें 30 जून तक 6 महीना पूरे नहीं होते, इसलिए 1 जुलै 2016 को इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। डायरेक्ट उनको 2 जनवरी 2016 के बाद सीधा 1 जनवरी 2017 को इंक्रीमेंट मिलेगा, और उसके बाद का इंक्रीमेंट जो है वो 1 जनवरी 2018 को मिलेगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यह है दोस्तों,
1 जानेवारी 2016 रोजी सुधारित वेतन संरचनेत वेतन निश्चिती केलेल्या कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत ज्या वेतन स्तरामध्ये 1 जानेवारी 2016 रोजी वेतन निश्चिती केली आहे त्या स्तरातील त्याची पुढील वेतनवाढ 1 जुलै 2016 रोजी देय होईल। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस है क्योंकि जिस व्यक्ति का वेतन निश्चिति फिक्सेशन 1 जनवरी 2016 को जिस श्रेणी में हो रहा है जिस लेवल में हो रहा है वो सभी कर्मचारियों को नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो है 1 जुलाई 2016 को मिलेगा। यानी कि जिनका पे फिक्सेशन 1 जनवरी 16 को हो रहा है वो सभी कर्मचारियों को पहला जो इंक्रीमेंट है सातवें वेतन के हिसाब से 1 जुलाई 2016 को मिलेगा। तो ये कंफ्यूजन दूर करिए दोस्तों, सबको इंक्रीमेंट 1 जुलाई 16 को ही मिलेगा अगर पे फिक्सेशन 1 जनवरी 16 को होता होगा तो। परंतु आणखी असे की 1 जुलै 2016 रोजी वेतनवाढ दिल्यानंतर त्यापुढील वेतनवाढ 1 जुलै 2017 रोजी देय होईल, हे सबको मालूम आहे दोस्तों। अगर पहला इंक्रीमेंट हमने 1 जुलै 16 को लिया तो उनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट हमें 1 जुलै 2017 को मिलेगा। इस तरह से एक एक साल के बाद मिलते जाएगा। तो उम्मीद है आपका ये कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। तो इसके हिसाब से अभी हमारा जो फिक्सेशन हुआ 1 जनवरी 16 को, इसलिए इस व्यक्ति को यानी कि सबको 1 जुलाई 16 को पहला इंक्रीमेंट मिलेगा। तो 1 जुलाई 16 को इंक्रीमेंट का जो अमाउंट होगा वो आपको ऑलरेडी उस टेबल में दिया गया है। तो ये देखिए हमारा जो S8 में 27,900 बेसिक पे था उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट है 28,700, उसके बाद का 29,600, उसके बाद का है 30,500। इसके हिसाब से हमें जो इंक्रीमेंट मिलने वाला है वो इंक्रीमेंट इस तरह से मिलते जाएगा। ए सेट में हमें लोग है 29,600 तक के इंक्रीमेंट हमें 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे। तो देखिए इस तरह से पहला इंक्रीमेंट जुलाई 16 को 28,800, दूसरा इंक्रीमेंट जुलाई 17 को 29,700, तीसरा इंक्रीमेंट जुलाई 18 को 30,600, और जुलाई 18 के बाद सीधा इंक्रीमेंट मिलेगा हमें जुलाई 19 में, लेकिन वो आने का है इसलिए हमारा बेसिक पे ऑन डेटेड 1/1/2019 को वो होगा 30,600। अब इस बेसिक पे के हिसाब से हमारा जो पगार होगा सैलरी होगी वो कितनी होगी। जैसे देखिए हम जनवरी 19 की सैलरी यहाँ निकालते हैं तो इसका इनका बेसिक पे जो है 30,600 है। डीए रेट आपको मालूम है जो जनवरी 19 को जो मिलेगा हमें 9% डीए रेट के लिए हम यहाँ देखते हैं किस तरह से रेट मिलने वाले हैं। तो डीए के जो रेट से 1 फरवरी 2019 के डीआर के हिसाब से जनवरी 16 से हमें 0% डीए मिलेगा, जुलाई 16 से 2%, जनवरी 17 से 4%, जुलाई 17 से 5%, जनवरी 18 से 7% और जुलाई 18 से आज तक आगे 9%। अभी जनवरी 2019 का डीए का रेट आने का है इसलिए हमें फिलहाल 9% ही डीए मिलेगा। एचआरए किस तरह से मिलेगा, जो जीआर 5 फरवरी 19 को आया है इस जीआर के हिसाब से हमको एचआरए मिलेगा सिटी टाइप के हिसाब से। अगर कौन से सिटी में हम रहते हैं एक्स वाई या जेड इस टाइप के हिसाब से हमें 24%, 16% और 8% एचआरए हमें फिलहाल मिलेगा। बाद में जब हमारा डीए का रेट चेंज होगा 25% और 50% उसके हिसाब से वो इस जीआर के हिसाब से एचआरए के रेट है वो चेंज होगी, लेकिन अभी हमें इसी रेंज में इसी रेट के हिसाब से एचआरए मिलेगा। एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, एचआरए के जो रेट से एक्चुअली आपको 1 जनवरी
2019 से ही लागू होंगे। 1 जनवरी 16 से लेकर 31 दिसंबर 18 तक आपको एचआरए नए रूल्स के हिसाब से नहीं मिलेगा। तो उसके बाद हम पीए के रेट भी जान लेते हैं, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये भी जो रेट है, जो हमारा पुराना जीआर था उसके हिसाब से यहाँ 3 और 4 जून 2014 के हिसाब से जो रेट है 1 अप्रैल 2014 से आज तक हमें ग्रेड पे के हिसाब से ये टीए के रेट मिलते हैं। और वो है इस तरह से, जिनका ग्रेड पे 4300 तक होगा उन सबको, सभी एम्प्लॉय को ₹400 ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। अगर वही व्यक्ति हैंडीकैप होगा तो उनको 2000 टीए मिलता है। उसके बाद जिनका ग्रेड पे 4400 लेकर 5400 के नीचे होगा उस एम्प्लॉय को ₹600 टीए मिलता है और हैंडीकैप एम्प्लॉय को ₹2000 टीए मिलता है। और जिस एम्प्लॉय का ग्रेड पे 5400 के ऊपर है उन एम्प्लॉयज को ₹1200 टीए मिलता है और हैंडीकैप व्यक्ति को ₹2400। तो यही रेट फिलहाल 5 फरवरी 2019 के जीआर के हिसाब से अभी फिलहाल हमें टीए जो है यही मिलेगा 400, 600 या 1200 ग्रेड पे के हिसाब से। तो चलिए हम यहाँ इस रेट के हिसाब से डीए 9% एचआरए, अगर मान लो यहाँ 8% में हम आते हैं तो 8% लिया है, और टीए ग्रेड पे के हिसाब से 2400 ग्रेड पे था इनका, तो 2400 के हिसाब से हमें ₹400 टीए मिलेगा। और अदर अलाउंस यानी किसी को नक्सल अड़ाए लोकल अलाउंस जो रहते हैं नक्सलाइट एरिया में, तो उनको ₹1500 पर मंथ मिलता है, या जो भी मिलता होगा वो अलाउंस अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारी टोटल सैलरी बनेगी ₹37702 और ये सैलरी हमारी जनवरी 2019 की होगी। तो इस तरह से आप अपना पे फिक्सेशन कर सकते हैं और अपनी सैलरी निकाल सकते हैं। दोस्तों हमें दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो किसी की अपॉइंटमेंट 2 जनवरी 16 को होती है या कोई भी तारीख है जो 2 जनवरी से लेकर 1 जुलाई के बीच में होती है या 1 जुलाई तक होती है, तो इनका पे फिक्सेशन कैसे होगा। तो ये जो तारीख है 1 जनवरी 16 के बाद की है, इसलिए उनको डायरेक्ट जो फर्स्ट स्केल का जो बेसिक होगा वो फर्स्ट सेल का जो बेसिक होगा वो लागू होगा। तो सेम एग्जांपल है, सिर्फ इनका जो रिवाइज पे मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 25,500। वो कैसे आया, क्योंकि ये जो S8 लेवल है इसका फर्स्ट सेल जो है 25,500 है, इसलिए उनका बेसिक रहेगा 25,500। क्यों, क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट डेट है 2 जनवरी 16 यानी कि 1 जनवरी 16 के बाद की डेट है। इसी तारीख को किसी का प्रमोशन होता है या कोई चेंज होता है तो इसी तरह से इनका फिक्सेशन होगा, और फिक्सेशन होने इसी तरह से मतलब उनका ओल्ड मेथड से फिक्सेशन होने के बाद इस तारीख को उनको किस तरह से प्रमोशन के बाद या किसी भी प्रकार की श्रेणी में चेंज अगर इस तारीख को होता है तो इसका फिक्सेशन एक्चुअली कैसे किया जाता है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा। और इसके लिए आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन को दबाइए ताकि आपको प्रमोशन, किसी व्यक्ति का 1 जनवरी 16 के बाद प्रमोशन होता है, स्केल में चेंज होता है, वरिष्ठ श्रेणी मिलती है, निवड़ श्रेणी मिलती है, तो उनका फिक्सेशन कैसा करना है उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो अभी हम सिर्फ फ्रेश कैंडिडेट जो है जिनकी अपॉइंटमेंट 2 जनवरी 16 को हो गई है तो उनको उनका बेसिक रहेगा लेवल S8 में 25,500। फिर उनके इंक्रीमेंट जो है, मैंने पहले ही बताया आपको कि ये 2 जनवरी को अपॉइंटमेंट हुई है इसलिए उनको पहला इंक्रीमेंट 1 जुलाई 16 को नहीं मिलेगा क्योंकि वहां 6 महीना पूरे नहीं होते, तो उनको पहला इंक्रीमेंट मिलेगा 1 जनवरी 17 को और वो इंक्रीमेंट का अमाउंट रहेगा 26,300। उसके बाद एक एक साल के बाद इंक्रीमेंट मिलेगा, नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा 1 जनवरी 18 को 27,100, उसके बाद आएगा
1 जनवरी 19 को 27,900, यानी कि बेसिक पे उनका 1 जनवरी 19 का आएगा 27,900 रुपये। उसके हिसाब से हम सैलरी निकालेंगे तो वो सैलरी आएंगी उनकी 34,543 रुपये। यहाँ इंक्रीमेंट की डेट बदल गई है। तीसरा उदाहरण लेते हैं, अगर किसी की अपॉइंटमेंट 2 जुलाई 2016 को होती है, यानी कि जुलाई 2 जुलाई से लेकर 1 जनवरी तक इस डेट कोई भी डेट में होती है, तो उनका पे फिक्सेशन, इनकी भी अपॉइंटमेंट 1 जनवरी 16 के बाद की है, इसलिए उनको भी डायरेक्ट स्केल लागू होगा, वो होगा 25,500। यहाँ सिर्फ इंक्रीमेंट डेट में चेंज होगा, यहाँ 2 जुलाई 16 को होने के कारण पहला इंक्रीमेंट जुलाई 16 का तो सवाल ही नहीं आता, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट ही 2 जुलाई की है, तो 1 जुलाई को इंक्रीमेंट तो रहेगा ही नहीं। लेकिन नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 जनवरी 17 को भी इनको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तारीख तक उनके 6 महीना नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो मिलेगा वो डायरेक्टली 1 जुलाई 2017 को मिलेगा और वो अमाउंट आएगा 26,300। उसके बाद एक साल के बाद 1 जुलाई 18 को मिलेगा और 27,100 रुपये उनका बेसिक पे हो जाएगा। और उसके बाद का इंक्रीमेंट जो आएगा उनका जुलाई 19 में जाएगा, लेकिन 1 जुलाई 2019 अभी आने का है, इसलिए इनका बेसिक पे 1 जनवरी 2019 को 27,100 रुपये रहेगा। अभी उसी व्यक्ति की अपॉइंटमेंट डेट 2 जुलाई 16 होने के कारण उनके 2 ही इंक्रीमेंट सिर्फ उनको मिलेंगे और उनका बेसिक पे इतना और उनकी सैलरी आएंगी 33,607 रुपये। अभी हमने 3 एग्जाम्पल में देखे हैं डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के हिसाब से और ओल्ड एम्प्लॉय के हिसाब से, तो तीनों की सैलरी बेसिक पे में चेंज हुआ है, उसके कारण उनकी सैलरी भी चेंज हो गई है। लेकिन स्टार्टिंग का जो उनका ग्रेड पे और बेसिक पे जो था कुछ सेम था, मतलब ग्रेड पे सेम था, उसके हिसाब से हमने ये समझने की कोशिश की है। और तीनों में अगर हम देखते हैं तो सबकी सैलरी जो है वो अलग अलग आ चुकी है। पहले वाले की सैलरी 37,702 है, दूसरे वाले की 34,542 है और तीसरे वाले की 33,607 है। इस तरह से हमारा पे फिक्सेशन हम खुद कर सकते हैं और हमारी सैलरी हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो हमारा जरूर आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन है उनको दबाइए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिले। और ख़ास करके 1 जनवरी 2016 के बाद जिनका प्रमोशन होने वाला है या हो चुका है या जिनका ग्रेड चेंज होने वाला है, उनके लिए किस तरह से पे फिक्सेशन करना है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।